अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अगेन वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग ऑफ उदा का जहाँ। तो गाइस बहुत दिन के बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और एज सच गाइस बहुत सारे काम थे, लेकिन आज सोचा कि नहीं यार आज व्लॉगिंग करूँगी। तो गाइस आज है वीकेंड, यानी कि आज है संडे और मैं फायर माद हम लोग घर पे ही हैं। अभी जस्ट उठी हूँ मैं और इनब गई है गाइस ऑफिस और हम लोग का जो है आज छुट्टी है। 10:30 अभी हुए नहीं है गाइस और हम लोग काफ़ी देर से उठे हुए हैं, लेकिन व्लॉग कुछ शूट नहीं किया आज गाइस। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया मेरे घर में मेड भी नहीं है, कोई हाउस हेल्प नहीं है, सारे काम मुझे करने पड़ रहे थे और उस चक्कर में हालत और ख़राब थी, इसलिए और भी व्लॉग शूट नहीं हो रहा था। तो फिलहाल आज का व्लॉग शूट करती हूँ और आपको एक बार घर दिखा देती हूँ कितना मैस हो रहा है। और यहाँ देखिए आप, तो ये देखिए यहाँ महान बैठा अपनी कार चला रहा है और यहाँ देखिए ये लड़की गई है, तो इसके सारे कपड़े वपड़े सब जगह फैले हुए हैं और रूम को भी कैसा छोड़ के गई है। फिलहाल अभी मैं आज लगती हूँ घर में, तो बस गाइस ये सबको आज मैं पूरा अच्छे से क्लियर करूँगी, वरना देखिए क्या रूम की हालत हो रही है। फिलहाल बेड वेड बेडशीट सब चेंज करेंगे अच्छे से और यहाँ ड्राइंग रूम की भी देख लिया आप। और अभी हम लोग उधर से उठे हैं तो पूरा घर आज क्लीन करूँगी। तो फिलहाल फाई को कहीं जाना है, यहाँ देखिए तो गाइस फाई को जाना है बाहर, तो उनको मीटिंग है, तो मैंने सोचा आज कुछ नया ट्राई किया जाए। तो गाइस मैं लेके आई थी ये वर्मेसिली, बहुत अच्छी होती है गाइस टेस्ट में भी, तो बस अभी मैं ये बनाने वाली हूँ और ट्राई करूँगी। फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ मैं और उसके बाद देखूँगी कैसा टेस्ट आता है। तो बने रहिए व्लॉग में, देखते रहिए कि आज कितना वीकेंड वाले दिन भी कितना काम होता है गाइस करने के लिए, और करते हैं फिर आप लोगों से। फ्रेंड्स ये मैंने देखी हल्का सा, जिसे हम सेवइयों बनाते टाइम रोस्ट करते हैं घी में, जस्ट वैसे ही इसे रोस्ट करके मैंने रख लिया है। इधर मैंने एक प्याज और टमाटर जो है ये काट के रख लिया गाइस। जो मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ वो है हमारा मैगी मसाला, तो गाइस मैंने भी महत की मैगी में से ये निकाल लिया है। साथ ही साथ चाय रख दी क्योंकि फाई को बहुत ज़रूरी काम है, इनको बाहर जाना है मीटिंग के लिए, इनका संडे भी नहीं होता है गाइस। इसमें मैंने गाइस ऑयल डाल दिया है और इसमें हम पहले डाल देंगे हमारी अनियन और उसको जो है हम रोस्ट कर लेते हैं। तो बस यहाँ मैंने अनियन डाल दी है अपनी और इसका थोड़ा सा देखिए टेक्स्चर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। और जल्दी जल्दी गाइस बता रही हूँ क्योंकि फाई बिल्कुल रेडी हो गए हैं और मुझे जल्दी से उनको ब्रेकफास्ट देना है। और ये था कि संडे है तो मैंने सोच रखा था कि मैं कुछ डिफरेंट बनाऊँगी, वही एज़ यूजुअल ऑमलेट बना लो, एग बना लो, ये बहुत बार सेम हो गया, इसलिए वो मैंने नहीं करा था। फिलहाल इसमें मैं अपने डाल देती हूँ टमाटो, और गाइस टमाटो को हमें एकदम पकाना है अच्छे से और उसी के साथ साथ मैं नमक भी डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो गाइस फाई हो गए रेडी और नहीं रुक रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, कह रहे हैं बहुत जल्दी है, मुझे तो ये जा रहे हैं। सबको सलाम कर लो और अल्लाह हाफिज़। तो गाइस ये जा रहे हैं मीटिंग में अपनी, अब आप लोग जब आना, जब सब लोग ही जब घर के काम हो जाए। तो गाइस बिल्कुल ये होता है कि वीकेंड होता है ना, सब अपने अपने कामों को निकल गए, पता नहीं। अब यह है कि हुदा है घर में, वो सब काम कर लेगी, चाहे घर को साफ करना हो, चाहे खाना बनाना हो, मेंटेन करना हो, सब करना वो हुदा कर लेगी। और यहाँ देखिए मेरी चाय एकदम रेडी है, बिल्कुल दूध वूध डाल दिया था, ये रेडी है, ये बस 5 मिनट लग रहे थे लेकिन बोले मुझे बहुत देर हो जाएगी। मतलब यार एक तो मुझे उठाया कि जल्दी से कुछ बना दो, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, बनाने भी खड़ी हुई उसमें भी चले गए, मतलब यार कितना भी कुछ कर लो। फिलहाल गाइस जल्दी से मैं पहले बना लेती हूँ फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स अच्छे से टोमेटो जो थे मेरे पक गए थे, तो मैंने इसमें अब ये पानी डाल दिया है, खोल आ जाएगी। और उसके बाद अभी मैं इसमें जो डाल रही हूँ वो है हमारे मैगी मसाला, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए पानी में ही ना, अलग अलग जो है वो होते हैं। तो ये 2 पैकेट मैंने मैगी मसाले के इसमें डाल दिए हैं, वरना तो आप बड़ा पैकेट एक आता है तो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास यही वाले पैकेट से तो मैंने यही यूज़ कर लिया। तो पहले सबको मैं मिक्स कर लेती हूँ, खोल आ जाए, और फिर इसके बाद हम अपनी डाल देंगे इसमें जो हमने फ्राई करके रखी थी ये, और इसको 2 मिनट तक ढक के हम पकाएंगे। गाइस जस्ट लाइक सेवइयां जो होती हैं वो मीठी होती हैं और ये जो होती हैं ये नमकीन होती हैं, बस इतना फ़र्क है। बट ये खाने में बहुत हेल्दी भी होती हैं और बहुत अच्छी भी लगते हैं खाने में। कर लेते हैं और फिर आपको मिलते हैं। तो बस फ्रेंड्स मैंने इसमें डाल दी हैं और थोड़ा सा इसमें हम पानी और डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से जो है बन जाए। देखिए पानी ऑलरेडी है इसमें और इसको अब हम सेवइयां जैसे बनाते हैं सेम वही रेसिपी है। आप चाहे ना गाइस इसमें मैंने एक स्टेप स्किप करा है, क्या कि अगर आपके पास जो भी सब्ज़ियाँ, यानी कि अगर आपको कैप्सिकम डालना है और स्प्रिंग अनियंस डालनी है आपको, या आपको कैरेट कुछ भी डालना है आप इसमें डाल दिए, लेकिन मेरे यहाँ क्या है कि ये लोग खाएंगे नहीं, इस वजह से जो था मैं नहीं करती हूँ। और मेरे बच्चे को देख लिए,
ये बच्चा अंदर मेरे साथ लग गया है, इसे पता है मम्मा क्लीनिंग करेंगी, तो सारा सामान ला के उसने ब्लैंकेट ब्लैंकेट यहाँ रख दिया है। तो गाइज़ ये देखिए बच्चा मेरा लग गया है काम के लिए, उसे पता है कि मम्मा आन के बेडशीट वेडशीट सब चीज़ें सही करेंगी, तो उसने सब सामान, मतलब यार ये चीज़ें होती हैं जो बच्चे घर में सीखते हैं। और ये महद इज़ सो स्मॉल यार, इतने छोटे बच्चों को इतना अंदाज़ा नहीं होता जितना महद माशाल्लाह से करता है मेरी हेल्प। और ये देख लिया आप, लग गया मेरा बच्चा, सब सामान उसने यहीं ला के सोफे पर रख दिया कि अब ये बेडशीट हम सही करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, और फिर वो देख लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल कहना ना भूलें आप लोग, ज़रूर कहें मेरे बच्चे को देखिए आप। ये होता है माँ बाप का एहसास बच्चों के जो दिलों में होना चाहिए, और अल्लाह पाक शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह पाक हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। तो गाइस रेडी हो गई है हमारी एकदम, और खुशबू माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है, और धनिया ऊपर से जो है गार्निश करें और इन्जॉय करें अपना अलग और स्पेशल ब्रेकफास्ट। बताना आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, बहुत सिंपल सी थी। और अब तो ये होता है कि जब मैं जॉब करती हूँ तो मुझे झटपट रेसिपी सीखनी पड़ती हैं, आप लोगों को बताना था इसी वजह से मैं स्टेप टू स्टेप कर रही थी, वरना अब तक तो ये बन के हम लोग खा भी चुके होते। तो इसी के साथ गाइस मुझे बताना ना भूलना कि कैसी लगी मेरी रेसिपी, बहुत दिन से शेयर भी नहीं किया था आपके साथ कुछ नया, तो आज ये ट्राई। तो गाइस आज का बस यही प्लान है फिलहाल, अभी तो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद हाउस को पूरा क्लीन कर देंगे, झाड़ू पोछा सब काम करेंगे, क्लोथ्स वॉश करने हैं वो सब करेंगे, किचन क्लीन करेंगे। सारा काम करने के बाद आज दोपहर का मेन्यू है कढ़ी चावल, तो दोपहर में कढ़ी चावल ही बनाने हैं मुझे, तो वो मैं अभी रख दूंगी और साथ के साथ काम करना स्टार्ट कर दूंगी। और शाम में होगा तो फिर चलेंगे थोड़ा घूमने के लिए बाहर, तो स्टे ट्यून। आज का पूरा मैंने आपको बता दिया जो भी मैं करूँगी, बनी रहिए व्लॉग्स में और देखते रहिए, देखते हैं कहाँ किस हद तक मैं कर पाती हूँ। तो फ्रेंड्स बस ये वाला रूम मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बेडशीट ये देखिए सब चेंज कर दिया है बेडशीट, और जो एक्स्ट्रा कपड़े निकले हुए थे इन आपके वो सब मैंने फोल्ड करके वापस ट्रॉली बैग में रख दिए हैं। अभी कर्टन सब उठा के रख दिए क्योंकि यहाँ पर अभी गाइस झाड़ू पोछा होगा, तो इसलिए ये है कि साइड में रख दिए। महद के टॉयज जगह पर रखे जो फैले हुए थे, और बैल्कनी में आते हैं तो गाइस अभी यहाँ मैंने पानी डाल दिया है ताकि ये जो भी गंदगी है साफ़ हो जाए। पेड़ों में पानी डाला है और बैल्कनी में डाला है, अभी मैं सब करने के बाद इसको वॉश करूँगी बैल्कनी को, धूप बहुत तेज़ है गाइस। और ड्राइंग रूम देख लीजिए माशाल्लाह कितना अच्छा हो रहा है, यहाँ देखेंगे आप कितना खूबसूरत हो रहा है गाइस। ये फ़िलहाल इसको भी साफ़ कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको, वरना मेरे से तो गंदे घरों में वैसे भी नहीं रहा जाता है, पता है नहीं कैसे मुझे कुछ अजीब सी पिन पॉइंट रहता है यार, अगर कोई भी मतलब या किसी का भी घर ऐसा होता है तो। और अभी तो गाइस मुझे कोलिन लेके थोड़ी बहुत मुझे धूल दिखाई दे रही है, मुझे वो डस्टिंग भी करनी है, तो गाइस मैं सोफे पे कवर चढ़ा रही थी और ये मैंने वॉशिंग मशीन में वॉश कर दिए थे, वरना मैं कभी करती हूँ इसी रीज़न की वजह से। और ये देखिए ये यहाँ से पूरी इसकी सिलाई जो है वो निकल गई है, तो अब मुझे दूसरे कुशन कवर्स बिछाने पड़ेंगे क्योंकि ये तो मैं बिछा ही नहीं सकती हूँ। तो ये अभी निकलेंगे बाहर तो टेलर भैया को दिए जाएंगे ये सब चीज़ें, तो निकाल के सेपरेट कर लेती हूँ और देख लेती हूँ अगर किसी और में भी कोई प्रॉब्लम है तो। अब मैं दूसरे ब्राउन कलर के जो दूसरे हैं मैं वो लेके आती हूँ, और बाकी ये लोग काम बढ़ गया जितना जा रही हूँ सब कुछ हो जाए। अब ये जो चढ़ाए हैं इनको वापस से जो है वो उतारना पड़ेगा क्योंकि अब दूसरे चढ़ेंगे उनके अगर एक फटा हुआ होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। फिलहाल अब मैं जाती हूँ दूसरे लेके आती हूँ बेड के अंदर रखे हुए और वो बिछाते हैं। तो बस फ्रेंड्स अब मैं निकाल के लेके आ गई हूँ दूसरे वाले कुशन कवर्स, पिलो कवर वो है ये वेलवेट के है गाइस, और मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है ये मुझे। और बस ये होता है गाइस चीज़ एक बार ले लो कॉस्टली बाकी चलती रहती है अच्छी, और डिज़ाइन भी यूनिक लगता है, वरना ये कॉमन चीज़ें तो आप सब घर में जाओगे एक से पता चल जाता है किसका क्या प्राइस रेट है। और मैं इस में मेरे मुँह से भी क्या निकल रहा है, और मेरा क्या होता है गाइस मे को चाहिए होता है थोड़ा सा मतलब डिफरेंट या यूनिक चीज़ें, या थोड़ा कॉस्टली होती है मे को प्रेफर, मेरे को वही समझ आती है, मुझे इतनी समझ नहीं आती है चीज़ें जो मतलब कॉमन हो जो सब लोग यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ें मुझे इतनी पसंद भी नहीं आती हैं क्योंकि वो सबके दिमाग में होता है कितने का लिया होगा इन्होंने क्या करा होगा।
तो वेल्थ मेरे पास अभी आपने देखा भी होगा पीछे गाइस, जब सब लोग गेस्ट आए थे हमारे घर में तो मैंने बिछाए थे, एक ब्राउन कलर के बिछाए थे, एक क्रीमी बिछाए थे, वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल थे गाइस। और लेकिन कॉस्टली भी बहुत थे, मतलब जितने के आप दो ले लेते उतने का वो मेरा एक ही, मतलब 5 से का सेट जो एक का आया था। बट ये था कि हाँ, जिस जब भी मैंने रखा ब्लैक वाले भी और ब्राउन वाले, जो भी मेरे घर में आया सब ने ये बोला कि ये बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे कवर्स, मतलब एक अच्छा वो मिला और सबने बहुत तारीफ़ करी कि ये कुछ अलग सा डिज़ाइन है और बहुत अच्छे लग रहे हैं। वेल फिलहाल अभी तो घर में तो मैं यही हूँ कि अभी आ नहीं रहा है, तो अभी तो मैं यही बिछा रही हूँ। ये है कि काफ़ी सेम चीज़ देख देख के बोर हो गई। महात की बर्थडे पे मैंने ये वाले गाइस बिछाए थे और अभी जो है वो चेंज करने का टाइम है। तो बस जल्दी से मैं ड्राइंग रूम को गाइस क्लियर कर लेती हूँ। आज जो कवर्स हैं अपने, आपने देखा होगा पीछे मेरे सीट कवर्स, ये भी मैंने रिमूव कर दिए हैं, मैं इसमें दूसरे बिछाऊंगी अभी, और ये भी। और वॉश अभी जब मैं नहाने के लिए जाऊंगी तो मैं इनको हैंड वॉश ही करूंगी, मशीन वॉश नहीं, क्योंकि ये गाइस बहुत अच्छा कपड़ा होता है और मैं ये बिल्कुल भी वॉश नहीं करती। अभी मैं गाइस इसमें ये वाले जो है ये बिछाने वाली हूँ, अभी जब बिछेंगे तब आप लोग देखना ये। तो गाइस काम भी चल रहा है, काम के साथ साथ अपना ख्याल भी रखा जा रहा है। तो बस यहाँ एग बॉईल किए थे महादर अपने लिए, तो बस अभी ये खाएंगे और बाकी मैं घर का क्या दिखाऊँ आपको गाइस। किचन का भी मेरी हालत देख ली आप यहाँ पे बहुत बेकार हालत है, क्योंकि मैं सब चीज़ें जो भी जैसे डाइनिंग टेबल पर रखी हुई होती है उनको भी क्लियर कर रही हूँ। अभी सारी ये जार बॉटल्स जो थी गाइस इसको मैंने क्लियर करके रखा है, और बाकी जो भी थी वो भी साथ के साथ यहाँ वॉश करके रखी है इसमें सामान भरने के लिए। और अभी जो डाइनिंग टेबल पे जो ये रखे हुए थे मैट्स रखे थे इनको भी वॉश करके लगाया है। तो और डाइनिंग टेबल को भी दिखा देती हूँ गाइस, यहाँ देखिए आप डाइनिंग टेबल का सारा सामान हटाया है और एकदम जो है मैंने कोलीन से नहीं, मैंने तो गाइस जो बर्तन धोते हैं साबुन उससे पूरा रगड़ दिया है, एकदम साफ़ कर दिया। अभी थोड़ा रखा नहीं है सामान ताकि थोड़ा सूख जाए, फिर सामान रखूँगी। और यहाँ देख लिया अला था सारा सामान की देख ली। अभी प्रेस वाली दीदी को भी कॉल किया था तो वो कपड़े लेके चली। तो फ्रेंड्स टाइम हो गए है 1:30, अभी तक शॉवर नहीं लिया है मैंने, और ये रूम तो मैंने आपको दिखा ही दिया था जो मैंने क्लीन किया। गाइस बालकनी जो थी वो भी मैंने वॉश कर दी है, बट ना ये बहुत ज़्यादा गंदी थी, मैंने एकदम डिटर्जेंट डाल के क्लियर कर दिया है। फाई आ गए गाइस, फाई को भी दिखाते हैं आपको। और ये खोला है महादेव गेट और यहाँ आ गए अब्बा। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। तो गाइस यहाँ मैं आपको दिखा रही थी घर, घर हो गया साफ और फाई की हो गई ये एंट्री। तो बस गाइस ये कवर्स, अच्छा जाओ कोई बात नहीं। तो गाइस ये एकदम क्लियर करके बिछा दिए हैं मैंने, देखिए आपको दिखाई रही थी मैं, चेंज हो गया है। डाइनिंग टेबल जो है उस पर भी एकदम क्लियर करके, पहले ये सब कुछ साइड में होता था, अब इसको मैंने एकदम सेंटर में लगा दिया है। और अभी हाँ गाइस फाई ने ऑर्डर की थी वेजीज, तो अभी हम ये खोलेंगे, मुझे नहीं पता। तो बस अभी जब ये ओपन करेंगे, जब लगाएंगे सब्जियाँ, तब आप लोग को मैं दिखाऊँगी कि कौन कौन सी सब्ज़ी मंगाई है। फिलहाल मुझे पता भी नहीं। फाई आ गए हैं वहाँ पर अंदर, महा जो है वो इंजॉय कर रहा है, झाड़ू पोछा गए सब कर दिया है मैंने, मशीन जो है वो भी लगा दी है। और हालत बहुत ख़राब है कि मैं आपके सामने नहीं आ सकती। बस गाइस जो अभी मेरा फ़िलहाल काम का बचा है वो है किचन को क्लीन करना, बस किचन बचा है, बाकी सब हो गया मेरा काम। दूँ ब्रेकफास्ट और हाँ गाइस ये दे रही हूँ। तो गाइस खाना नहीं बनाया अभी तक, हाँ वो दे देती हूँ, खाना तो अभी बना ही नहीं है, अभी तो कढ़ी में पकौड़ा डालेंगे। तो गाइस ये मैंने वॉश कर दी थी, ये यहाँ रख दी ताकि ये सूख जाएंगे। भाई इसकी ना ये गन को ना वो कर दो, ओपन कर दो, और इसका ये मैंने यहाँ बॉक्स रख दिया, इसके अंदर वापस करके रख दो, जब यूज़ होगा ना जब निकाल देंगे। भाई वो खोल दो, लगाओ नहीं, वो कह रहा है अभी अब्बा रख दिए। तो गाइस वही बर्थडे की टॉयज वॉयज हैं और भी सेट कर दिए आज, जो आजकल यही दोनों टॉयज से ज़्यादा प्ले कर रहा है, गन को मैं बोल रही हूँ। तो बस फ्रेंड्स फाई सुबह तो नाश्ता करके नहीं गए थे, छोड़ के गए थे, तो बस अभी इनके लिए बचा के रख ली थी और करा देते हैं नाश्ता। महात को तो पसंद आई, महात ने 2 बार खाई भैया, महात ने तो 2 बार सॉस डाल डाल के खाई। तो बस गाइस यहाँ पकौड़े बनना स्टार्ट हो गए थे और ये मैंने डालने स्टार्ट कर दिए और बच गए मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो पैन था हाथ लगा गाइस और एकदम से नीचे जाके यहाँ गिरा, तो ये सब ऑयल काम मेरा बढ़ गया है, लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर कुछ नहीं हुआ, पूरा ये सब ऑयल गिरा और उसमें ऑयल भी कम रह गया। और बाकी इधर का किचन दिखा देती हूँ गाइस, देखिए सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कर दिया, सारी डिशेज विशेज वॉश कर दी, जगह पर लगा दिए। ये बर्तन हैं स्लाइसर हैं तो ये थोड़ा सूख जाएँ, फिर मैं इसको अच्छे से रखूँगी, अभी गीले थे इसलिए नहीं रखा है। बाकी मेरा जो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया, अभी पकौड़े में डाल ही रही हूँ।
जल्दी से गाइस चेंज कर लेती हूँ, उसको पलट लेती हूँ नहीं तो जल जाएंगे ये। तो फ्रेंड्स कड़ी हो गई है रेडी, मार दिया है तड़का और इधर रख दिए हैं मैंने अब ज़ीरा राइस बनने के लिए। तो बस लंच का जो है ये 10 मिनट में राइस रेडी हो जाएंगे, उसी के बाद अंदर लेके चलती हूँ गाइस। महार भी यहाँ रेडी कर दिया, महार को शॉवर दे दिया। मनु कॉम नहीं किया आपने हेयर्स, तो जाइए करवाइए बेटे, ऐसे कौन बैठता है गंदे से हेयर्स लग रहे हैं, जाओ जाइए। और उसी के साथ गाइस अभी तो काम ख़त्म ही नहीं हुआ है, बहुत सारा काम बचा है। वो क्या ये देखिए गाइस, ये लोग स्लीपर पहन के जाते हो, महार बाहर क्यों नहीं लेके आए हो? ये गाइस कवर रखे हुए हैं अभी जो भी मैंने उतारे हैं, तो ये भी अभी पूरे वॉश करने हैं, अभी बहुत काम है, काम ख़त्म नहीं हुआ गाइस। अब करते करते 3 बजने वाले हैं, यहाँ देखिए 3 बजे खाना होगा हमारा और मेरी हालत ख़राब हो गई। तो बस फ्रेंड्स खाना वाना खा के कपड़े धो के नहा के मैं सो गई थी अभी जस्ट आग खुली है, और इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना कि पता ही नहीं चला कब मैं सो गई। महात के मौलवी साहब भी आए थे, वो भी पढ़ा के गए और यहाँ रूम में देख लिए फाई, और यहाँ महात जो है ये सो रहे हैं, इनब भी आ गई है घर ऑफिस से तो वो उधर सो रही है। और गाइस पता नहीं है वीकनेस से या ज़्यादा काम की वजह से ना मेरी बाइयाँ इतनी अड़ रही है, बार बार ऐसा हो रहा है। और अब ये है फ़िलहाल टाइम हो गया है 6 बजने वाले हैं गाइस, और एक आध घंटा लेट गई थी, सुकून मिल गया है। बस अब जो है तैयार व्यार होंगे और बाहर जाएंगे, और नहाने के बाद तो मैंने ऐसी लोअर और टी शर्ट में ही मैं आ गई थी, अब चेंज करेंगे कपड़े और चलेंगे बाहर। तो गाइस सुबह से सब्जियाँ खोलने का टाइम ही नहीं मिला है, अब जाके 6 बजे खोल के देखा जा रहा है कि क्या मंगाना है। कहाँ से इसको किसके इसको किसने कितने पैसे दिए गाइस? सबसे पहले जो निकले हैं वो निकले हैं टमाटो, ये दो जगह क्यों दिए? आलू दो दो जगह क्यों गए? छोटे छोटे बच्चों के तो ना देखना गाइस, पैकेट्स बनाए आलू के छोटे छोटे से दो दो जगह। और भी है क्या? और आई है प्याज, सबको साइड में करते रहते हैं। लौकी, एक और प्याज, एक और मुझे आलू का दिख रहा है छोटा सा, क्या है ये? इन्होंने इतने सारे अलग अलग क्यों बना के दे दिए? ओके ये अच्छा है गवावा, ये देखिए गाइस पैक्ड आया गवावे एकदम से पैक। और उसके अलावा चुकंदर निकालेगा कौन इसका जूस? मौसमी। और गाइस ये क्या है? लौकी है। अच्छा ये इस लौकी का कवर होगा। तो गाइस ये लौकी आप देख ली कितनी कवर हो गया, ये तो इसके उतार देते हैं कपड़े। ये देखिए ये है लौकी गाइस, ये थी सब्जियाँ जो खाएंगे ऑर्डर करी थी। और गाइस बेस्ट थिंग इज दैट कि फाइनल थोड़े दिन पहले एक ये भी ऑर्डर करके मंगाए थे, तो ये फ्रिज के बॉक्सेस हैं, तो आराम से मैं सब्जियाँ जो है एक वन बाई वन करके बॉक्सेस में रख देती हूँ, इससे परेशानी नहीं होती। जो जब मुझे निकालना होता है टमाटो भी या कुछ भी वो आराम से निकाल देते, तो ये बॉक्सेस है उसके अंदर एक नेट लगी हुई है जिससे वो फ्रेश रहे। तो बस अभी इसको पहले तो मैं अभी पहले मैं वॉश करती थी लेकिन अभी वॉश करके नहीं, इसको ऐसे ही रखती हूँ मैं। तो दिख गई गाइस ये हो गए हमारे टमाटो रेडी, बंद करके आराम से, इससे ख़राब नहीं होंगे और सही रहते हैं। सुबह मेरे से लग गया गैस के बराबर भी है, वो उससे उठाया नहीं जा रहा होगा ना लोड, उसने जगह दो दो जगह करके लग लो। अरे यार आई तो थी लेकिन बात ना बनी। तो बस गाइस अब जाते हैं थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं और फिर मिलेंगे। तो गाइस एक अनबॉक्सिंग और करते हैं, लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है, खुल जाए पहले फिर जब की बात है। यहाँ से ये फंस गया, हाई डबल साइड टेप है। खुल जा सिम सिम, खुल गया। यहीं से मैंने खोल लिया गाइस, प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है हर बार की तरह। तो
ये देखिए इस पेपर के अंदर जो निकला है हमारा, एक आया है गाइस नेचुरल डैमेज ममा अर्थ का शैम्पू आया है, और भी हाँ तो गाइस ये मॉम्स एंड कॉ कंपनी का है, ये डैमेज रिपेयर, मेरे को ये लगा मॉम्स के कि ममा अर्थ ही होगा, नहीं ये है नेचुरल विटामिन रिच, और एक और है छोटा सा, ये क्या है, ये है गाइस नाइट क्रीम, ये एज कंट्रोल है, इससे मैं जवान लगने लगूंगी, रात को लगाऊंगी तो गाइस ये एक क्रीम आई है ममा अर्थ की, तो बस गाइस ये प्रोडक्ट से जो ऑर्डर किए थे जो आ गए हैं हमारे हाथ के लिए, तो गाइस अच्छा शैम्पू है विद कैरेटिन मॉर्गन ऑयल एंड मोरक्को आर्गन ऑयल का है, ठीक है यूज़ ट्राई करके देखिए कैसा है, फिर आपको रिव्यूज़ बताऊंगी कि ये कैसा है, और इसका भी गाइस ये है इतनी छोटी कितनी रातें चलेगी ये, तो गाइस कुछ तो गाइस बस घर से निकल रहे हम, और आज का पहला प्लान और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम मैंने सुबह से बनाए थे वो हो गए हैं, लेकिन अभी का ये था कि महत की साइकिल ठीक करानी है, तो यहाँ देखिए यहाँ खड़ी होती है महत की साइकिल, जो फाइन नीचे ले गए हैं, तो पहले हम महत की साइकिल ठीक करवा लेते हैं, इन्हें बस महत भी नीचे गए लॉक कर लेते हैं घर अपना, महत देखिए अभी यहाँ पर अपना लॉक रख के गया है, तो फिलहाल यहीं रख दिया है सामने ही मैंने, घर को कर लेते हैं हम बंद, स्पेक्स मैंने उतार लिया गए क्योंकि रिफ्लेक्शन पड़ता रहता है, और मैचिंग की देखिए ब्लू, ये ब्लू स्पेक्स एंड ब्लू जीन्स, तो सब कुछ हो गया ना मैचिंग मैचिंग। तो फ्रेंड्स ये लोग जब तक साइकिल ठीक करवा रहे हैं मैं आ गई हूँ, मैं गई नहीं थी इन लोगों के साथ, मैं आ गई हूँ इधर, और मैं खाती हूँ यहाँ पे गोलगप्पे गाइस, मेरा बड़ा मन भी था खाने का, अकेले हैं तो क्या करूँ, बहुत ही मज़े के थे, चार फ्लेवर्स का पानी था, बट मेरे को तो बस खट्टा मीठा वाला पानी पहना था और मैंने खा लिया, और अब वेट करते हैं इन लोगों की, और गाइस बाय गॉड मतलब मुझे नहीं लगा सब लोगों ने लड़कियों को फालतू में बदनाम करके रखा है गोलगप्पे के पीछे, अभी भी गाइस जितने लोग खा रहे हैं ना सारे लड़के सारे बॉयज़ ही गोलगप्पे खा रहे हैं, और लड़कियाँ कम खा रही हैं लड़के ज़्यादा खा रहे हैं, अभी भी वहाँ लड़के ही खा रहे हैं, और मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी कर ली एज अ प्रूफ, जो लोग बोलते हैं कि नहीं तो ऐसा नहीं है, लड़के भी बहुत चटोरे होते हैं, लड़कियों को फालतू में ही ऐसी बदनाम करके रखा हुआ है, तो गाइस आ गए हैं फाइनली भाई, और माँ की साइकिल भी ठीक हो गई है, घर पे खड़ी कर गए हैं भाई, और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 4 की मार्केट, तो गाइस हम लोग आ गए हैं अगेन पैसिफिक मॉल, और इन्हें ये लोग गए सेक्टर 4 क्योंकि इन्हें कुछ शॉपिंग करनी थी, और ये हैं भाई कुछ काम है हमें, हम यहाँ जो आए हैं गाइस, और वो क्या काम है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, महाद महाद तो गाइज़ ये ऑलरेडी मोमोज खा चुका है ना पप्पू के साथ, और ये भी ले लिया है, और यहाँ चल रही है पार्टी नहीं उसे पाई, और इना बुद्धा कुछ खरीद रहे तक हम आ गए मोमोज खाने के लिए, तो गाइज हम लोग जो हैं आ गए हैं घर पे, और अब भी फ़िलहाल महाद और इनब नीचे रुके हैं, महाद को साइकिलिंग करनी थी इसलिए वो नीचे रुके, 10 मिनट में आ जाएगा, और अब भी आ गए फाई आ गए क्या ये लोग, देखना आवाज़ कौन चढ़ा, तो ये गाइस अपने अब्बा का क्या काम कर रहा है देखिए आप लोग, तो आप लोग भी अपने अब्बा के साथ ऐसे ही करते हैं क्या, जैसे ये कर रहा है देखना ज़रा, बेचारे उन्होंने गर्दन डाल दी और लेट गए हैं पागल, देखना 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 मसाज कर दो ना ऑयल लगा के, ये करने से अच्छा है
तो फिलहाल गाइज इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं एंड, मिलेंगे इंशाल्लाह अब आपसे कल के व्लॉग में। जब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। चलो अल्लाह हाफिज़ करो लेटे लेटे। लो गाइज जाते जाते रोना भी देख लो, अभी क्या आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये रो क्यों रहा है, अभी तो ये हंस रहा था, अभी रोने लगा।